फरीदाबाद में अनुज नाम का व्यक्ति जो कि बदरपुर निवासी है, उसे कई दिनों से एक कॉल आ रहा था जिसमें सामने से एक व्यक्ति उसे सस्ते दामों में सोने की ईंट देने की बात कर रहा था और कह रहा था कि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, जिसमें अनुज को शक हुआ तो उसने फ़ोन कॉल इग्नोर किया, लेकिन सामने से फ़ोन लगातार आता रहा और उसे परेशान करता रहा, जिसके बाद अनुज नाम के युवक ने सोचा कि उसे रंगे हाथों पुलिस के काबू कराया जाए, जिसके बाद उसने बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पर सोने की ईंट लेकर उस युवक को बुलाया। इसी तरह पुलिस ने जाल बिछाया और व्यक्ति 315 ग्राम की नकली सोने की ईंट लेकर दो अन्य व्यक्तियों के साथ बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पहुंचा और अनुज ने उसे खाली रुपयों का बैग देकर चालसाजी करते हुए उसे फांस लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया और 315 ग्राम की नकली सोने की ईंट भी कब्जे में कर ली। ये बदरपुर का एक निवासी है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसे कई दिन से एक कॉल आ रही थी कि भी हमारे पास एक सोने की ईंट है और हम इसको आपको सस्ते दामों में दे देंगे और मुझे पैसे की ज़रूरत है और आप ये ईंट ले लें। और इसमें उसको शक हो गया था, जो अनुज नाम का व्यक्ति है, कि ये कोई फ्रॉड लोग हैं, तो उसने इसको इग्नोर किया। लेकिन उसके बाद भी फिर भी उसको कॉल आती रही, तो उसने इस बारे में आज सोचा कि क्यों ना ये जो आज उसने फिर से कॉल किया तो उसने इसको पुलिस को पकड़वाने की कोशिश करी कि भाई इसको इस चेक किया जाए कि ये कौन लोग हैं। उसने आज उसको बल्लभगढ़ बुलाया था कि मैं अब बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पे आ रहा हूँ और आप वहीं आकर पैसे लेके आना और सोने की ईंट ले लेना। इसने पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने अपना जाल बिछाया और ये मौके पर जब वहाँ पर सोने की ईंट लेकर पहुँचा तो इसके साथ दो अन्य और व्यक्ति भी थे जो दूर खड़े थे। और ये व्यक्ति जो जिसको इसकी बात हुई थी अनुज से, अनुज इसके पास एक खाली बैग लेकर गया और उसने उसको बैग देने की कोशिश करते हुए और उसको पकड़ा। पुलिस भी वहाँ पे आ गई थी और उसको काबू किया। उसके कब्जे से एक 315 ग्राम की नकली सोने की एक ईंट मिली है, जो टोटल नकली थी, पीतल की धातु जैसा। उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये 3 लाख रुपए में इनकी बात हो रही थी कि 3 लाख रुपए में मैं ये सोने की ईंट दे दूँगा, लेकिन इसमें जो ये अनुज है ये काफ़ी समझदार निकला और इसने इसको ना इसको पकड़वाया बल्कि एक लालच से दूर रहकर उनके बहकाव में नहीं आया, ऐसे लोगों को पकड़वाया है। आम अन लोगों से भी अपील है कि किसी भी तरह के लालच में ना आए, कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलती है मार्केट रेट से, और किसी भी तरह के लिंक ऑफर या इस तरह की जो लालच दिया जाता है उसमें बहकाव में आए। और सिप्पी साहब इस मामले में समय समय पर मीटिंग लेते रहते हैं और हमारी क्राइम ब्रांच को और थाना पुलिस को भी अलर्ट रखते हैं, और इसके अलावा हमारी जो RWA से मीटिंग होती है तो उनमें भी यही कहा जाता है कि जो किसी भी तरह के लोग लालच से संबंधित कुछ शिकायत होती है तो पुलिस में तुरंत इसमें दें अपनी शिकायत, पुलिस कार्रवाई करती है। इसाक नाम का व्यक्ति है जो जिमरावट मेवात एरिया का रहने वाला है, इसके साथ दो अन्य आरोपी भी थे, वो जो मौका देखकर फरार हो गए, लेकिन हमारी तफ्तीश में आए हैं, उनको भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा।